हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज के वीडियो में हम अक्षय तृतीया के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अक्षय तृतीया किस डेट में है। 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को है। चलिए अब जान लेते हैं इस दिन क्या क्या हुआ था और इस दिन के पीछे का महत्व क्या है। अक्षय तृतीया, अक्षय यानी कि जो कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। अक्षय तृतीया, इस वर्ड को सुनते ही हमारे दिमाग में ये बात सबसे पहले आता है कि इस दिन हम जो भी कार्य करते हैं वो कभी क्षय नहीं होता है। यानी कि अगर हम कोई अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी अक्षय बन के रह जाता है, और यदि हम कोई बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल भी कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि इस दिन हम ऐसे कार्य करें, ऐसे कर्म करें जो भगवान के हिसाब किताब के खाते में अक्षय बन के रह जाए। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन शुभ कार्य करने चाहिए। क्या क्या इस दिन करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाली हूँ। कथा इस प्रकार है कि धर्मदास नाम के एक व्यक्ति थे, वो ब्राह्मणों को अक्षय तृतीया के दिन दान करते थे। उसकी पत्नी उसको बहुत रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते थे। वो बुढ़ापे तक ब्राह्मणों की सेवा करते रहे। इसके फलस्वरूप अगले जन्म में धर्मदास एक राजा के रूप में जन्म लिए। उनका नाम था कुशावती राजा। उनके राज्य में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत सारा धन दौलत सुख शांति से समृद्ध था उनका राज्य, और ये अक्षय तृतीया का ही फल था कि अक्षय तृतीया के दिन वो ब्राह्मणों को सेवा करते थे। इसके उपरांत ही उनको अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में इतना सुख समृद्धि के साथ एक धनशाली राज्य प्राप्त हुआ था। सेकंड इम्पॉर्टेंस है इस दिन की कि इसी दिन द्वापर युग में महाभारत काल में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का लाज रखने के लिए उनको अक्षय तीज प्रदान किया था। इससे हमें ये भी समझ आता है कि भगवान किसी का कभी भी कर्ज नहीं रखते हैं। वो इंटरेस्ट के साथ हर भक्त का, हर एक इंसान का, हर एक जीव का कर्ज चुका देते हैं। तो इसी अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की, अपनी सखी की लाज को रखा था, लाज को बचाया था। इस दिन का थर्ड इम्पोर्टेंस ये है कि इसी अक्षय तृतीया के दिन सूर्यदेव ने एक अक्षय पात्र द्रौपदी सहित पांडवों को दिया था। इस अक्षय पात्र की ये महत्व है कि इस पे कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। अक्षय पात्र की सहायता से अपने राज्य में किसी को भी भूखा नहीं रहने देते थे। सभी को इसी अक्षय पात्र के माध्यम से प्रतिनियत भोजन कराते थे। इस दिन का नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि इसी अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए उनके मित्र सुदामा जी आए थे। सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कुछ चावल के दाने रख दिए थे, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके भाव से प्रसन्न होके भगवान श्री कृष्ण ने उनके घर को महल में बदल दिया था। इस दिन का नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि भगवान श्री विष्णु का छठा अवतार भगवान श्री परशुराम का प्रागट्य इसी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। पुराणों के अनुसार इसी अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री परशुराम इस धरती पर अवतरित हुए थे। इस दिन का नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि इसी दिन माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा स्वयं एक देवी है जो कि नदी के रूप में इस धरती में विराजमान है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि माँ गंगा का दर्शन मात्र करने से, स्पर्श मात्र करने से, उनको आचमन मात्र करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। माँ गंगा परम दयालु, परम कृपालु है। वो भगवान शंकर और भगवान विष्णु के बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसलिए इस दिन हमें माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा और भक्ति भी करनी चाहिए, क्योंकि इसी अक्षय तृतीया के दिन उनका अवतरण दिवस है। इस दिन का नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि इस दिन से जगन्नाथपुरी में रथ निर्माण का कार्य शुरू होता है। इस दिन को गंधा लेपना यात्रा भी कहा जाता है, यानी कि इस दिन से चंदन यात्रा भी स्टार्ट होता है। इस दिन से शिव विग्रह के जो रिप्रेजेंटेटिव आइडल्स है,
साथ में जो पांच शिवलिंग है यानी कि पंच पांडव, उनको सिंह द्वार से नरेंद्र सरोवर तक लेके जाया जाता है एक परिक्रमा के रूप में। उसके बाद वहाँ पे जाके उनका नौका विहार होता है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ये जो चंदन यात्रा होता है ये टू पार्ट्स में पूरी में सेलिब्रेट किया जाता है। एक होता है बाहर चंदना, एक होता है भीतर चंदना। ये जो बाहर चंदना होता है ये अक्षय तृतीया के दिन से स्टार्ट होता है और ये 21 डेज तक चलता है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, इस दिन का नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि इसी दिन साल में एक बार एक दिन के लिए हमारे बांके बिहारी लाल चरण दर्शन देते हैं। इसी दिन बस बिहारी जी का चरण दर्शन आपको प्राप्त होगा। आपको इसी दिन बस एक दिन के लिए साल में चरण दर्शन मिलेगा। बिहारी जी मंदिर में जो सेवाएं चलती है वो परंपरागत सेवाएं चलती है जो कि स्वामी हरिदास जी ने स्टार्ट किया था। स्वामी हरिदास जी से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी निधिवन में प्रकट हुए थे, तब हरिदास जी को बहुत सारे आर्थिक संकटे दिखाई दी थी। तो डेली ठाकुर जी के बांके बिहारी जी के चरणों से एक स्वर्ण मुद्रा निकलती थी जिससे उनकी सेवा होती थी। इसी कारण से उनकी चरण दर्शन भक्तों के लिए बंद करवाया गया था। आज भी ये परंपरा चलता आ रहा है और आज भी भक्तों के लिए बस साल में एक दिन के लिए बांके बिहारी जी अपने चरणों का दर्शन देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुबह वो राजा के भेष में अपने चरणों का दर्शन देते हैं, जहाँ पे 1.25 किलो चंदन का लड्डू उनके चरणों में रखा रहता है और रात को उनके पूरे शरीर में चंदन का लेपन होता है और इसी के साथ वो अपने भक्तों को अपने दुर्लभ दर्शन प्राप्त करवाते हैं। इस दिन का ये भी महत्व है कि हमारे जो चार धाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये द्वार बंद रहते हैं और इसी अक्षय तृतीया के समय से ही इनके द्वार खुल जाते हैं और वे दर्शन देना स्टार्ट कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री का द्वार खुलता है, उसके बाद ही बद्रीनाथ और केदारनाथ का द्वार खुलता है और वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दिन का नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि इसी दिन, इसी अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री विष्णु नर नारायण ऋषि के रूप में इस धरती पर आए थे और नर नारायण ऋषि आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, आज भी बद्रीनारायण में तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे इस धरती पर स्पेशली इस कलयुग में बहुत सारा अनाचार है, बहुत द्वेष है, बहुत द्वंद्व है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हिंसा है। इसी से नर नारायण ऋषि अपने तपस्या के बल से इस संसार को अभी तक बचा के रखे हैं, नहीं तो कब का प्रलय हो जाता। ऐसा कहा जाता है कि अभी भी अक्षय तृतीया के समय यदि कोई भक्त बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने भक्तिपूर्ण भाव से दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो नर नारायण ऋषि अपने तपस्या का फल उन भक्तों को प्रदान कर देते हैं। इस दिन के पीछे का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में वर्णित है। तो इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, भक्तों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों का पाठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें, प्रसाद पाए। इस दिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो भूलकर भी नॉनवेज ना खाए, प्याज लहसुन को भी त्याग करें इस दिन, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा बोलना, ये सब करने की हमें प्रयास करना चाहिए जिनका फल अक्षय बन के रह जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को एडवांस में अक्षय तृतीया की खूब खूब बधाई। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।